नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। नए कृषि कानूनों को लेकर राजधानी दिल्ली में जो गतिरोध पिछले ढाई महीने से चल रहा है, वो अब बॉर्डर पर 12 लेयर वाला ऐसा विरोध बन चुका है जो किसानों के लिए किसी लक्ष्मण रेखा की तरह है। क्या वो इसे पार करेंगे? अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? सरकार की तैयारियां तो पूरी है ये सोचकर कि कहीं दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा वाली स्टोरी दोबारा ना दोहरा दी जाए। वही इस आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत का कहना है कि जब उनको दिल्ली जाना ही नहीं तो फिर सरकार फिल्मी दीवार खड़ी करके किसानों को पब्लिक के सामने बदनाम क्यों करना चाहती है। अब तक जिस आंदोलन में राजनीतिक दलों के लिए मंच पर जगह ही नहीं थी, अब वो भी एक एक करके टिकैत से गले मिलकर संदेश देते नजर आ रहे हैं कि हम हर हाल में किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में किसका हित होगा, किसका हित किसके साथ सधेगा, ये कोई नहीं जानता। हाँ, आंदोलन में अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी है और आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ हम करेंगे चर्चा। तो देखा आपने, पिछले दो ढाई महीनों से ये आंदोलन सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई चलते चलते कहां तक आन पहुंची है। ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, राजधानी में क्यों खड़ी की गई 12 लेयर वाली वॉर? जी हाँ, ये जो वॉल यानी ये जो दीवार 12 लेयर वाली खड़ी की गई है, वो क्यों खड़ी की गई है? क्या बॉर्डर की सीलबंदी से वापस हो जाएंगे किसान? क्या किसानों के आंदोलन को खत्म किया जा सकेगा? क्या किसानों को मनाया जा सकेगा? कब निकलेगा समाधान? क्योंकि पब्लिक हो रही परेशान और यही वजह है आसपास के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अब परेशान होने शुरू हो गए हैं क्योंकि समाधान नहीं निकल पा रहा है। बाड़बंदी से क्या तार तार हो रही आंदोलन की गरिमा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और एक और अहम सवाल वो ये कि क्या किसानों के मंच से अब तैयार हो रहा है सियासत का रंगमंच भी? जिस तरह से तमाम बड़े बड़े नेता अब एक एक करके राकेश टिकैत से मिलते हुए साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में अपना समर्थन उन्हें देते नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें, ये मिलन, ये समर्थन क्या कहता है, किस तरफ इशारा करता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत स्वागत है। और किसान नेता गजेंद्र सिंह टिकैत हमारे साथ खुद स्टूडियो में ही इस समय मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आप ही के साथ। सर, ये क्या हो रहा है? 12 लेयर वाली दीवार खड़ी की जा रही है, बॉर्डर बना दिया गया है, क्या कोई जंग छिड़ने वाली है क्या? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो कुछ इसी तरफ से इशारा करती है, और अगर नहीं तो फिर ये सब क्या है, आप ही बता दीजिए। क्या सरकार और किसानों के बीच ये एक जंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है? नहीं, लेकिन कोई सरकार क्या अराजकता को बर्दाश्त कर सकती है? जंग तो नहीं चल रही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि यही संयुक्त मोर्चा के जो किसान संघ यूनियनों के संयुक्त मोर्चा था, उन्होंने अधिकारियों को लिखित दिया था और उसके बावजूद 26 जनवरी को क्या हुआ, गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ पूरी दिल्ली में? 200 से ज़्यादा जवान घायल हैं और तलवार लेकर के और लाठियां लेकर के जिस तरह से दौड़ाया गया, उसकी टीवी फुटेज आपके पास भी होगी, आप देख सकती हैं। तो भरोसा किसने तोड़ा? जो इसका नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने जिस तरह से, उसके भी ऑडियो वायरल हुए थे कि कैसे लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और क्या आप इसकी छूट या कोई भी सरकार इसकी छूट दे सकती है कि कोई भी भीड़ अराजक हो जाए और अराजक हो करके देश की मर्यादा को नष्ट करे? इसकी कोई, ये कोई अफोर्ड कर सकती सरकार क्या? और उल्टे ही किसान नेता कहने लगे, साहब सरकार ने रोका क्यों नहीं, फोर्स ने क्यों नहीं रोका? उस दिन अगर मान लीजिए फोर्स असहमित होती, वो गोली चला देती तो क्या होता? तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई, ये तो सभी जानते हैं परिस्थिति क्यों पैदा हुई। हरीश जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार अभी भी इस स्टेज पर भी किसानों से बात करने के लिए खुले दिल से उनका स्वागत करती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तैयारियां देखकर क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा किसानों तक? क्या वो आपकी बात पर विश्वास कर पाएंगे? वो किस बात पर यकीन करें, आपकी बातचीत वाली बात पर या इन तैयारियों की तस्वीरों पर? नहीं, हमारी बातचीत की बात पर और इन तैयारियां इसलिए कि कोई अराजकता की जद में दिल्ली को या राजधानी को अराजकता के जद बने ले सके।
जो कृत्य किया था इन लोगों ने 26 जनवरी को, बहुत शर्मनाक था और उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और सबको इस बात को महसूस करना चाहिए। हाँ, विजेंद्र सिंह आपको क्या लगता है इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप? और एक आपसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि राकेश टिकैत जिस तरह से अब इस पूरे आंदोलन को अगुवाई करते हुए आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोगों की तरफ से बकायदा पूरा पूरा समर्थन अब दिया भी जा रहा है, आप लोगों की तरफ से कह भी दिया गया है कि भाई हम तो लीगल एड के लिए भी आप लोगों के साथ हैं, पूरी तरह से तैयार है, ऐसे में क्या अब टिकैत के कंधे पर रखकर विपक्ष बंदूक चलाना चाह रहा है? देखिए, दो बातें आदरणीय शिल्पा जी हैं इसमें। हाँ? एक तो ये कि जिस अन्नदाता किसानों ने अपने सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह के लड़के और पोते को चुनाव हरा दिया आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वो आदरणीय मोदी जी से असीम प्यार करते थे, और वो किसानों के बीच में 12-12 लेयर का ये व्यूह रचना कर रहे हैं, कांटी गाड़ी जा रही है, सड़कें काटी जा रही हैं, पत्थर खड़े किए जा रहे हैं, इतनी घृणा इतनी नफरत अन्नदाता किसानों के साथ जो प्रदर्शित कर रही है हमारी केंद्र सरकार। हाँ? इसके लिए पूरे देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए अन्नदाता किसानों के साथ, केवल कांग्रेस को नहीं, हमारे देश के अन्नदाता किसान केवल कांग्रेस के नहीं, पूरे देश की सारे पॉलिटिकल सिस्टम को उनके साथ खड़े होना चाहिए। और दसियों उदाहरण भरे पड़े हैं। 1987 में जब आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी वोट क्लब पर गए थे, सारी पॉलिटिकल 24 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वहां श्रद्धेय वाजपेयी जी से लेकर के श्रद्धेय चंद्रशेखर जी से लेकर हरकिशन सिंह सुरजी से लेकर सारे लोग थे। अगले दिन 12-12 मंत्री आदरणीय राजीव जी ने भेजा था, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी कृषि मंत्री होते थे। ठीक है, विजेंद्र सिंह आप मुझे ये बताएं जी, आपके राहुल गांधी ने आज कहा कि ब्रिजेस बनाइए वॉल नहीं, यानी कि पुल बनाइए दीवारें नहीं, ये किस तरह के पुल बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं? जिस तरह से आप लोगों ने 70 लोगों की फौज खड़ी कर दी, लीगल एड आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, किन लोगों को वो लीगल एड आप लोग प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो किसान तो हो नहीं सकते, वो किसान तो हो नहीं सकते, वो उपद्रवी थे, और अगर वो उपद्रवी है तो फिर उन लोगों को लीगल एड आप लोगों की तरफ से क्यों दिया जा रहा है? ऐसा कौन उपद्रवी है कौन उपद्रवी नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कानून को तय करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, न्यायपालिका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सुविधा की राजनीति करती है। तो फिर आप किन लोगों को लीगल एड देने की बात कर रहे हैं? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने भी तय कर लिया है कि वो सभी बेगुनाह है, इसलिए लीगल एड आप लोग उन्हें देंगे? नहीं, सभी को नहीं, जो निर्दोष है तमाम लोग गायब है, वहाँ 250-250 लोग किसान गायब हैं, उसमें कई युवा हैं, टारगेटेड करते भारतीय जनता पार्टी जो भी इस समय डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो भी किसान के पक्ष में बोलता है उसके ऊपर बड़े बड़े धाराओं में मुकदमे, राष्ट्रद्रोह तक के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों के उसमें नाम है, आपको मैं पुनिया जी का नाम और उनका राजदीप सरदेसाई जी का नाम, ऐसे हजारों नाम है। तो इस समय डेमोक्रेसी सेव करने किसानों के साथ खड़े होने का वक्त है, और बिल्कुल कांग्रेस ने देश आजाद कराया है, देश को बनाया है, संवारा है, तो उसे बचाने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही बनती है। मैं सराहना करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी की कि वो फ्रंट फुट पर समर्थन कर रहे हैं अन्नदाता किसानों का, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। लौटूंगी चलिए आपके पास, अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए अब्दुल हफीज गांधी जी, अब इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर सवाल उठाएंगे इन तस्वीरों को लेकर भी, इस तरह से ये जो पूरा किलाबंदी कर दिया गया है इसको लेकर भी, लेकिन आप लोग ही तो थे जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद राशन पानी के साथ सरकार पर चढ़ाई कर दिए थे, कि आखिरकार ऐसे होने कैसे दिया गया? और अब जब सरकार एहतियात के तौर पर पहले से ही तैयारी कर रही है तो आप लोग फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। शिल्पा जी, जो 26 जनवरी को हिंसा हुई, हाँ? एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं दिखा सकते जिसने उस हिंसा की घोर निंदा नहीं की हो, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हाँ? और देखिए, विरोधाभास देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लेड गवर्नमेंट जो सिंघू बॉर्डर पर किसान आए थे शुरुआती दौर में, उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ? लेकिन जब 26 जनवरी को कुछ अराजक तत्व, जिनको मैं सरकार के ही एजेंट कहता हूँ, क्योंकि ये दीप सिद्धू
और अमन ढबास, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा अगर हिंसा होती है तो आप तुरंत उनको किसान मान लेते हैं, तो इस तरह के विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के पास ही हो सकते हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ट्विटर जैसे 250 अकाउंट्स को सस्पेंड करा सकती है, सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने कहा कि ट्विटर से कि आप इनके अकाउंट सस्पेंड कीजिए, बाद में जाके वो अकाउंट रिस्टोर होते हैं क्योंकि ट्विटर ने ये माना कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला है और वो जो कमेंट किए गए थे ट्विटर पर वो न्यूज़ वर्दी हैं। जैसा मैं आपको बताऊं कि ये कोई दूसरे देश के किसान नहीं है जिस तरह से आप व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने देश के किसान हैं। इनको सुनिए तो, बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष सपोर्ट कर रहा है किसानों के लिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उपद्रवियों के लिए लगाई गई है किले, जिन लोगों ने लाल किले का रूट उनका नहीं था लेकिन वहां पर उन्होंने चढ़ाई कर दी, वहां पर उन्होंने तांडव मचाया, ऐसे लोगों के लिए तैयारियां की गई है। किसानों के लिए मना किया है सरकार ने, सरकार कह रही है जो शांतिपूर्ण बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन किसानों के लिए नहीं है। मुझे बताइए, सिंघू बॉर्डर पर जब 200 मीटर दूर बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखे हैं तो कुछ उपद्रवी आकर कैसे वहां किसानों पर अटैक कर देते हैं और पीछे खड़ी हुई पुलिस जो है देखती रहती है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि सरकार की मंशा इस आंदोलन को बदनाम करने की, और ये हम पहले दिन से देख रहे हैं कि पहले दिन से क्या क्या नाम इस आंदोलन को दिए गए, किसान तक नहीं माना गया। तो ये जो बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या ये किसान नहीं है? क्या ये लाखों की तादाद में यहाँ के नागरिक नहीं है? यदि इनकी कोई मांग है तो क्या सरकार को नहीं चाहिए? आप कहते हैं कि एक फोन कॉल पर हम मौजूद हैं, इसी तरह से फोन कॉल पर मौजूद होंगे, 12-12 लेयर की जो है दीवार खड़ी की जाएगी। जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले गजेंद्र सिंह टिकैत, किसान नेता, भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आप लोगों के इस आंदोलन को रोके जाने की कोशिश हो रही है, क्या किलो से आपके आंदोलन को रोका जा सकता है? और ये जो तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है, अगर सरकार कह रही है, ये दलील दे रही है कि ये किसानों को रोकने के लिए नहीं, उपद्रवियों को रोकने के लिए है, तो फिर आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखो, किसान आंदोलन नहीं रुकेगा। किसानों के जो ये आंदोलन, किसानों की समस्याओं को लेकर आज यहाँ किसान यहाँ बैठे हैं, तो ये सरकार का क्या मतलब है कि लगभग 2 महीने से ऊपर यहाँ पहुँचे हैं, तो 2 महीने में सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? भाई, पहले दिन से हमारी मांग है कि जो काले कानून है इनको वापस किया जाए और MSP पे कानून बनाया जाए। तो ये सरकार क्यों जबरदस्ती किसानों पर थोपना चाहते हैं, जब किसानों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या मतलब है इन कानूनों का? और हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को सरकार सुने, क्योंकि सरकार किसानों ने चुनी है और ये सरकार किसानों की बात को सुनना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम इस सरकार को लेकर आए, तो हमें इस तरह से क्यों बदनाम किया जा रहा है किसानों को? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? और जिस तरह से किसान और जवान को शुरू से दिन से हम भी कह रहे हैं कि आमने सामने सरकार ने खड़ा किया है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, किसान और जवान। इसी का बेटा देश की रक्षा करता है और किसान अन्नदाता जो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। और आज जिस तरह से सरकार किसान को बदनाम करके ये करना क्या चाहते हैं? हम लगातार यहाँ मुझे ये बताएं गजेंद्र जी, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आता है, क्या उभरता है? देखो, ये देखकर, ये कटीले तारे देखकर, ये सीमेंटेड बैरिकेडिंग देखकर, सबसे पहला मैसेज आप लोगों तक क्या पहुंच रहा है? देखो, ये सरकार का पहले दिन से ही हमारे साथ षड्यंत्र है, उसके किसान शिकार हुए हैं, चाहे वो 26 जनवरी का हो और उसके बाद भी जिस तरह से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी विधायक अपने गुंडों को लाकर के यहाँ किसानों के साथ मारपीट पर उतारू और यहाँ गाली गलौज करते हों, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और जिस तरह से यहाँ फोर्स लगाई गई किसानों के जरिए, इस पूरी फोर्स के जरिए आप लोगों को रोकने की यहाँ पर कोशिश है? नहीं, रोकने की कोशिश की गई है, रोकने के लिए पूरी फोर्स लगाया गया था हमें उस दिन। और यहाँ विधायक के साथ जो इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ ये उपद्रवी लोग आए और किसान को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश थी, जो किसानों ने पहले ही उसको पहचान लिया और वो नाकामयाब रहे। तो ये क्या मतलब है, हमें अच्छा, ये समझ पा रहे सरकार की बात? 26 तारीख को जो उत्पात मचा, उसके पीछे कौन लोग थे? उसके पीछे भी ये षड्यंत्र है सरकार का, ये भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जिस तरह से वहां पर गलाकर किसानों के जो नौजवान थे उनको भटकाकर रास्ता दिला गया। और इसमें दिल्ली पुलिस भी, इसमें बिल्कुल साजिश है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि जिस तरह से हमने, हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें लगाया गया था, एक लिस्ट हमने दी थी पहले दिन से। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये पूरा बीजेपी का ही पूरा षड्यंत्र है, ठीक है। इसका जवाब में विजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे लेना चाहूंगी, किसान भाई कह रहे हैं ये बीजेपी का षड्यंत्र था, बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के इन लोगों को, इन षड्यंत्रकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हीं गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए आप लोगों ने 70 लोगों की लीगल फौज खड़ी कर दी है। ऐसे में आप किस राह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए,
किसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि कौन उपद्रवी है और कौन असल किसान है? ये न्यायपालिका को तय करने दीजिए। हम केस लड़ेंगे तो न्यायपालिका तय करेगी ना। और जो आदरणीय गजेंद्र जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सरकार ने जानबूझ करके, और हाफिज जी बहुत सही बात कर रहे हैं, पहले दिन से षड्यंत्र कर रही है सरकार, तभी दीप सिंधु पकड़ से बाहर है। और राम नरेश गुर्जर जी का क्या हुआ, जिन्होंने सूट एंड साइट का चिट्ठी लिखा गृह मंत्री को कि किसानों को गोली मार देनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को परिलक्षित करता। इसमें भी अब किसी को शंका बची हुई है क्या, ये कौन करवा रहा है दिल्ली में, कौन करवा रहा है दिल्ली में तमाम चीजें? हरीश चंद्र श्रीवास्तव, क्या सरकार अब पूरी तरह से घिर गई है? पहले तो किसानों ने ही घेरा हुआ था, अब तो खुले तौर पर हर एक राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में उतरते हुए चौतरफा आपको घेरते हुए। देखिए, ये कांग्रेस इंदिरा जी की सरकार नहीं है। मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को सुन रहा था, आपात स्थिति और लोगों को जबरिया गायब करने की गिरफ्तार करने की इमरजेंसी वाले काल पर मत जाइए, इंदिरा गांधी पर मत जाइए। जब सवाल किया है प्लीज उस पर आइए। विजयन जी सुन लीजिए। अरे अब सुनने का भी धैर्य रखिए। अनर्गल आरोप लगाते हैं तो सुनने का भी धैर्य रखिए। बोलिए हरीश चंद्र, बोलिए। अनर्गल आरोप तो भारतीय जनता पार्टी लगाती है पूरे। वो राकेश टिकैत नहीं, नहीं सुन सुन लीजिए विजेंद्र जी प्लीज, सुन लीजिए दरख्वास्त है मेरी, आपने सवाल किया है तो उसका जवाब भी ले लीजिए एक बार। सर ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस का यही चरित्र रहा, यही चरित्र रहा, तो जनता ने इसीलिए किनारे किया आपको। ये जो दोहरा चरित्र है आपका ना, ये दोहरा चरित्र है, इसीलिए जनता ने किनारे किया है। और जनता फिर आपको बताएगी, विजेंद्र सिंह प्रणाम देगी जनता आपको। प्लीज देखिए, अन्नदाता कौन है? भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता के साथ खड़ी है, अराजक लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। हरीश चंद मेरे सवाल का जवाब, भारतीय जनता पार्टी अराजक लोगों के साथ नहीं खड़ी हो सकती। शिल्पा जी आप मुझे बताइए, कि राकेश टिकैत जी का जो ऑडियो वायरल हुआ था, वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया था? चित भी अपनी, पट भी अपनी। जब आपने अराजक भीड़ भेज दी, पहले तो आपने परमिशन मांगी, लंबे टाइम तक परमिशन के लिए वहाँ का प्रशासन, दरअसल हरीश जी सवाल आप पर इसलिए खड़े हो रहे हैं, चाहे वो किसान नेता उठा रहे हो, चाहे वो विपक्षी दल उठा रहे हो। एक सेकंड सर, हरीश जी बस मुझे सीधे सीधे शब्दों में इतना बता दीजिए, दीप सिद्धू कहाँ है, लखा सिधाना कहाँ है? देखिए दीप सिद्धू कब तक गिरफ्तार होंगे? सुनिए, दीप सिद्धू और जो भी है कल्प्रिट, वो वहां का पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी करेगा, बिहाइंड द बार जाएंगे और जो भी कल्प्रिट होंगे। लेकिन वो राकेश टिकैत ने जो लाठी लेकर के आने और समझने की बात कही थी, वो ऑडियो किसका था? एक सेकंड, हाँ। ये बताएंगे बिचैन जी और टिकैत जी, ये जो दोहरा चरित्र है ना, दोहरे चरित्र के नाते आज ये जो राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास है, ठीक है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश अराजकता कभी नहीं बर्दाश्त करेगा, देश कभी अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकता। गजेंद्र जी बोलिए। देखिए हरीश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे पूछना भी चाह रहा हूं मैं, कि किसान अराजकता नहीं फैलाता, ये केवल राजनीतिक पार्टी होती है, हम उसके शिकार हो रहे हैं यहाँ पर केवल। और पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये झंडा और डंडा, आप अगर झंडा लगाओगे तो काय पे लगाओगे? ये भाषा है गांव की, इस भाषा को आप इसमें भी आप कहीं कौन से मोड़ पे ले जाना चाहते हो? ये किसानों की एक बात सुनिए, ये गांव की भाषा है, बहुत शहरी गांव की भाषा होती है, जो अपने शब्दों में बोलते हैं, लेकिन इसको ये राजनीतिक मोड़ मत दो। आप देखो, आप समझ जाइए, ये राजनीतिक मोड़ मत दो किसानों की भाषा को लेकर के। अरे यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए आप लोग, क्यों नहीं सुनते बात को? यहाँ 2 महीने से हमें ऊपर हो गए, आप लोग क्यों नहीं सुने हमारी बात? राजनीति कर रहे हो नहीं, 2 महीने से हमें यहाँ ऊपर हो गए, आप लोग क्यों नहीं बात सुनते? क्या इसलिए हमने आपकी सरकार चुनी, इसलिए आपको वोट दिए, आपको सड़क पर से उठाकर यहाँ गद्दी पे उठा दिया? ये गलती है हमारी। देखिए, ये मेरी बात सुनिए पहले, आप शांत साली इंतजार से हमारी बात सुनिए, हमारी हरीश जी हमारी बात सुन लीजिए पहले। आप सरकार तो अभी भी बात आपकी, हमारी बात सुनिए पहले। हम यहाँ पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा लेकर आपके द्वार पे आए हैं, क्या आपका भर्ती बनता हमारी बात सुनने का? क्यों बैठा रहे काम को यहाँ पर?
भाई आपका क्या भर्ज बनता है? आपको हमने राजा बना दिया, इसलिए बनाया कि आप हम पर डंडे फिरवाओगे, हमें यहाँ हमारे ऊपर राजनीति करोगे आप? नहीं, आप हमारे ऊपर राजनीति करोगे? अरे किसान को तो कम से कम बख्शो, किसान को बख्शिए, किसान की राजनीति मत करो आप लोग। अगर आपको देखो मेरी बात सुनिए हरीश जी, एक सेकंड, हरीश जी एक मिनट सुन लो जी, बात मुझे बताओ आप, हरीश जी एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए आप, किसान पर राजनीति मत करो, बिल्कुल गलत है, ये देश के लिए भी गलत होगा। किसान अनदाता है, इसे अनदाता बने रहने दीजिए, इसे राजनीति मत लाइए। आप कर रहे हो, आप हमारी बात सुन लीजिए, तो ये जब ये कानून हमारे लिए है नहीं तो क्यों थोप रहे हो हमें? हम भी आपको आपकी हमें बात ये बताइए, जब ये कानून हमारे पक्ष के है नहीं तो इसे पे क्यों थोपने जाते हो हमें? आपके कहने से क्या कहने से बताइए, अरे एक बात बताइए, 7 साल में आपने क्या करा किसान के लिए? क्या कुछ करा है आपने? केवल देखो, ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला, और किसान को आप मट्टी लगाना चाहते हो, इसकी रोटी को बंद करना चाहते हो तिजोरी में? क्या ये कृषि प्रधान देश है? देखिए, ये कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात यहाँ सुनी जाएगी। ये कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात सुनी जाएगी सरकार कोई भी हो। पहले आप सुन लीजिए, सवाल तो बनता है, 2 महीने ढाई महीने आए हैं, आखिरकार इस समस्या का अब तक समाधान निकल जाना चाहिए था लेकिन नहीं निकल सका है, इस वजह से ये सवाल तो आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि पहले जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। हरीश जी, ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है, किसान की बात यहाँ सुनी जाएगी, किसान चुपचाप नहीं रह सकता, और ये इतना जुल्म किसान पर ठीक नहीं है, आपकी सरकार का इतना जुल्म किसान पर ठीक नहीं है, जिस तरह से आप ये राजनीति तंत्र कर रहे हैं, इसको कहाँ करें किसान को? आप वरदान कह रही है किसानों को, वो जुल्म नजर आ रहा है, ऐसे में इसका क्या उपचार हो सकता है? एक तरफ तो कहा जाता है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा, दूसरी तरफ ब्लैकआउट तक कर दिया जाता है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी जाती है। तो सर हरीश जी, सवाल तो फिर उठेगा ही, चलिए लौटूंगी आप सभी के पास, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, फिलहाल मुझे यहाँ रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को बढ़ाएंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने ये जो सारी तैयारियां की है, दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? वजह 6 फरवरी है, 6 फरवरी को क्या होने वाला है? दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के बीच हाईवेज पर जबरदस्त चक्का जाम का ऐलान किसानों की तरफ से जो किया गया है, उसके मद्देनजर कहा जा रहा है ये सारी तैयारियां की जा रही है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि आखिरकार एक तरफ तो बातचीत, दूसरी तरफ ये सारी तैयारियां, जंग जैसी जो परिस्थितियां नजर आ रही है, आखिरकार इन सबकी जरूरत क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता है ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो और 26 जनवरी वाली हिंसा दोहराई ना जा सके? इसके मद्देनजर पुलिस का कहना है हम इस बार पहले से ही एहतियात बरत रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है ये हर संभव साजिश के द्वारा हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। असल में वास्तविकता है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। किसान का भेष धारण करके उपद्रव फैलाने की कोशिश की, उत्पात मचाने की कोशिश की, तो फिर अंजाम के लिए, हश्र के लिए तैयार रहना। तो वही दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं ये हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश है, ये हमारे आंदोलन की आवाज को दबाने की साजिश है। तो वही विपक्षी दल अब खुले तौर पर सामने आते हुए एक एक करके सरकार को घेरते हुए लगातार इसी मसले पर हम कर रहे हैं चर्चा कि आखिरकार 6 फरवरी को आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इतनी जबरदस्त तैयारियां यहां पर सरकार की तरफ से नजर आ रही है, जो कि गणतंत्र दिवस वाले दिन भी नहीं थी। ऐसे में क्या सरकार ने 26 जनवरी वाली उस हिंसा से सबक लेते हुए फिलहाल ये तैयारियां की हुई है? एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव है, बिजेंद्र सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, अब्दुल हफीज गांधी सपा प्रवक्ता, और गजेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता। हरीश जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, पहले तो आप उसे कंप्लीट कीजिए और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 6 फरवरी को लेकर क्या ये सारी तैयारियां है, और अगर हाँ तो किस तरह के इनपुट्स आप लोगों के पास है जो इतनी जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही है? आज तक किसी भी आंदोलन में हमने तो नहीं देखा कि इस तरह से सीमेंटेड बैरिकेड वहां पर लगा दिए गए हो, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 12 लेयर सीमेंटेड वहां पर वॉल तैयार कर दी गई हो। कुछ तो बड़ा कारण होगा ना इससे, इसके पीछे बोलिए शिल्पा जी। कारण कुल एक ही हो सकता है, या क्या प्रशासन के पास वहां इनपुट है मैं नहीं जानता, ये तो वहां का लोकल प्रशासन ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी के किसान आंदोलन में जो लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली को अराजकता के घेरे में लिया, वो एक बड़ा कारण है।
और दूसरी बात, सरकार 11 बार बात किसान नेताओं से बात की है कि सरकार ने, और माननीय कृषि मंत्री का जो प्रस्ताव है आज भी एज इट इज है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को स्थगित करते हैं, कमेटी बनाते हैं, आप अपने मेंबर रखिए, कमेटी सारी चीजों पर विचार करे, उसके बाद जो भी उसकी फाइंडिंग आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप न विधायिका की बात मानते हो, न पार्लियामेंट की बात मानते हो, न न्यायपालिका की बात मानते हो, आप अपने को सबसे ऊपर समझते हो, ये कोई बात नहीं हुई, कोई बात संविधान से और नियम कानून से कोई ऊपर नहीं है, और जो कानून बनाने वाले हैं उसमें भी अधिकांशता किसान नेता किसान परिवार से ही लोग हैं, वो भी खेती किसानी करते हैं, किसान को जानते हैं, किसानी को जानते हैं, किसानी करते हैं, हम लोग भी छोटे किसान हैं, 6-7 एकड़ की खेती हमारे भी है, हम भी खेती करते हैं, तो ये केवल कहना का अन्नदाता अन्नदाता, ये जो इस तरह का आज एक माहौल बनाया जा रहा है, और जिस तरह से राजनीतिक दलों का विपक्षी दलों का प्रपंच है, जो कल तक लोकतंत्र को कुचलते थे आज वो लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दे रहे हैं, और जिनके राज में जनता बुंदेलखंड की जनता घास की रोटी खा रही थी वो आज बड़े किसान के हामीगर बने, ऐसे लोग जो केवल एक छत बेस में एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज किसान अन्नदाता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो केवल एक राजनीतिक प्रपंच है। कि आपके मुताबिक ये जो आंदोलन इतना लंबा खिंचता चला गया, ये जो बीच का कोई रास्ता अब तक नहीं निकल सका, भारत और की बातचीत वार्ता अब तक किसानों के बीच में सरकार के बीच में हो चुकी है, उसके पीछे ये राजनीतिक दलों की ये एक जो कोशिश है, एक जो साजिश है, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और ये तो शुरुआत से ही बीजेपी कहती आ रही है कि भैया ये तो भड़काए हुए किसान हैं, इन्हें तो विपक्षी दलों ने भड़काया हुआ है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बिजेंद्र सिंह भी है। बिजेंद्र जी, जवाब दीजिए, और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बॉर्डर से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक बवाल ही बवाल इस समय नजर आ रहा है, क्या विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा और बवाल तक ही सीमित रह गया है? आप लोगों को तो कोई समाधान के साथ आगे आना चाहिए था, और आप पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि अब तक तो समाधान निकल चुका होता अगर आप लोग इस तरह से किसानों को नहीं भड़काते। 2 महीना 2.5 महीना होने को आया है। हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास में आदरणीय हरीश जी बड़ी उपदेशात्मक बात कर रहे थे, ये भी 1 साल नहीं बीता है दिल्ली में, भारत सरकार के मंत्री ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों का नारा लगाया था, फांसी होनी चाहिए थी उनको, गिरफ्तारी तक नहीं हुई किसी की, और मैं कि सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं आदरणीय हरीश जी, ये जो माहौल देश का गंदा किया है वो भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार ने किया है। आप एक वीडियो क्लिप को लेकर के झंडा डंडा में ही लगता है, आदरणीय गजेंद्र जी सही कह रहे थे, लेकिन देश के गद्दारों को गोली मारी सालों को। राकेश टिकैत जी का जो ऑडियो था, कोई कोई भी आदमी उसका उसका मकसद निकाल सकता है, उसकी व्याख्या मत कीजिए। आज उसको यह मत बताइए कि झंडा लगाने के लिए डंडा का आह्वान किया था। देखिए देखिए उसकी अब व्याख्या, उसका परिणाम सामने आया था, जो उन्होंने कहा था उसका परिणाम सामने आया था। ठीक है गजेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? जो राकेश टिकैत सुन लीजिए, आप जो राकेश टिकैत जी पे ऑब्जेक्शन करने से पहले एक बात सोच लीजिए, उनके पिताजी ने, उनके परिवार ने आज तक लगातार वो किसानों का संघर्ष कर रहे हैं, कहीं भी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आज भाजपा सरकार उंगली उठा रही है। आपकी वहां फोर्स भी थी, सारे कुछ वहां थे, कोई तथ्य आप लोग निकाल के दो। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, ताकत रखो। देखो मैं बहस करना नहीं आया आपसे, अपनी फरियाद हम लेकर आए, पहले सुन लीजिए। आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हो, पहले तो आप ही जान लीजिए, आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हो, हमारी बात सुननी पड़ेगी आपको, हमसे बहस नहीं करनी आपको, हम पीड़ित है, किसान है, हमारी बात सुनोगे आप? आपको हमने राजा बनाया और हमारी बात सुनने आप सबसे पहले हमसे बहस करते हो? बहस करने से पहले हमारी पीड़ा सुनो। जी मुद्दे पे देखिए, आदर
आदरणीय उन्होंने कहा था, एक बार सुन लीजिए, जो जो आप कह रहे हो वे बिल्कुल अक्षेप गलत है, आप बयाने की बात कही थी, बिल्कुल गलत है, आज बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने तो बहुत कुछ, देखो कृषि कानून जब बना वे कुछ भी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने उन्होंने शुरू से ही मांग करी है कि काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। एक बार सुन लीजिए, अच्छा पहले सुनिए तो बोल लो फिर, नहीं क्या मतलब है, अरे आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हो, आप जब किसानों की बात नहीं सुन सकते तो क्या सुनोगे फिर, क्या मतलब है इसका, हमारी बात नहीं सुनेंगे आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हो, पहले हमारी बात सुनो, उसके किसान जो पीड़ा है किसान की आपने जानी है, पहले सुन तो लीजिए आप, आपके मैं अरे सुन तो लीजिए तब ना, पहले आप मेरा जवाब दियो, आप देना जवाब, मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश का गन्ने का किसान है, आपने आज तक रेट डिक्लेयर नहीं करा, क्या ये किसान की गलती है, यहाँ उत्तर प्रदेश का जो किसान है आज तक उसे ये पता नहीं कि हमारे गन्ने का रेट क्या होगा। दूसरी बात पहले सुन लीजिए, दूसरी बात है कि जो काले कानून है इसके विरोध में किसान सड़कों पर है, आपने कहा 11 बार वार्ता हो गई, जब आप इसे 1.5 साल के लिए होल्ड पर रख सकते हो, पहले सुन तो लीजिए, जब 1.5 साल होल्ड पर उसे रख सकते हो आप, तो क्या उसे निरस्त नहीं कर सकते, और जिस तरह से कोरोना काल में पूरा देश पीड़ित था, आप उस कानून को लेकर आए उस समय, उस कानून की क्या जरूरत थी देश को, उस कानून की जरूरत क्या थी, क्या इस देश के किसान को भी कह रहे थे ना किसान बाहर का रोटी खाता घास की, क्या ये पूरे देश के किसान को आप घास की रोटी खिलाना चाहते हो। ठीक है गजेंद्र जी, आपका सवाल हो गया है, हरीश जी जवाब दे, हमारी बात सुनिए मैडम, पहले एक सेकंड सर, चर्चा एक एक करके होगी सर, एक सेकंड, जो किसान ने सरकार से सवाल किया है पहले उसका जवाब ले लेते हैं, फिर आऊंगी आपके पास। गजेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो गन्ना किसानों की बात कही, हाँ। गजेंद्र सिंह टिकैत जी इस बात को बखूबी जानते होंगे, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, चीनी मिले तब तक चली जब तक किसान के खेत में गन्ना था, और रमाला जैसी चीनी मिले जो सपा और बसपा सरकार में बेच दी गई थी, उनकी पेराई क्षमता 1.5 गुना की गई, और चाहे बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल हो या पिपराई चीनी मिल हो, इनको पुनः चालू किया गया, इनकी क्षमताएं बढ़ाई गई। तो गन्ना किसानों के लिए तो योगी सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया, और वही पूरा नहीं किया, 112 करोड़ रुपए से ज्यादा इस 3 साल में गन्ना किसानों को भुगतान किया। ठीक है, देखिए इक्का दुक्का कहीं प्राइवेट चीनी मिले हैं, कहीं रह गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि 112 करोड़ से ज्यादा तीन साल में गन्ना किसानों को भुगतान किया गया, और चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो देवरिया हो, कुशीनगर हो, पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों के खेत में जब तक गन्ना था तब तक स्टैंडिंग ऑर्डर था। देखिए ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, ये तमाम परिस्थितियां आप लोगों की सारी उपलब्धियां एक तरफ, दूसरी तरफ है 2.5 महीने से चलता आ रहा है ये आंदोलन, सारी बातें आकर अटक जाती है, क्योंकि अगर आपने किसानों के लिए वाकई में इतना सब कुछ किया है तो फिर अब किसानों को रिपील क्यों में, नहीं आप मुझे बताइए ये रिपील किए जाने की जिद क्यों आन खड़ा हुआ है, मैं मुझे इसका उत्तर देना, आपके पास लौटूंगी, आखिर ये रिपील करने की जिद क्यों, टिकैत जी बतावा जब सरकार कह रही है कि आप कमेटी में अपने मेंबर रखिए। ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना, सरकार तो कानून को स्थगित कर रही, कमेटी बनाने को तैयार है और कह रही कि आप अपनी बात रखिए, कमेटी में अपने मेंबर रखिए, और जो निष्कर्ष सामने उस पर कार्रवाई हो। ठीक है विजेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद फिर मैं अब्दुल हफीज गांधी जी के पास जाऊंगी। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो ये कि अभी जो कह रहे हैं हरीश जी गन्ना किसानों के बारे में, 31 दिसंबर 2019 से आज तक बजाज कुदरखी चीनी मिल गोंडा में है, 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ श्रीवास्तव जी, पूरा 2020 बीत गया और ये सत्र चल रहा है, 0-0 लिख के आ रहा है, तो खाली भारतीय जनता पार्टी भाषण की इसको मैं विजेंद्र जी नहीं मान सकता, विजेंद्र जी ये बात नहीं, ये कंकाट बातें मत कहिए, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जिन जिन प्राइवेट चीनी मिलों ने जिन्होंने भुगतान नहीं किया था उनके अधिकारियों के ऊपर मुकदमा हुआ, उनके अधिकारियों के ऊपर मुकदमा हुआ, ये कंकाक्टेड बातें हैं, ये कंकाक्टेड बातें हैं, मैं किसी का कुछ अवशेष रह गया हो वो तो बात मैं मानता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि 19 से भुगतान नहीं हुआ, ये अरे विजय जी एक बात,
आप तथ्यों की पड़ताल करिए, आप तथ्यों की जांच करिए, हम लोग फिर मिलेंगे, मिलते ही रहते हैं। चलिए ठीक है विजय, आपका बाकी हो सकता है लेकिन आप कहेंगे सबका बाकी है। गांधी ये किस तरह आगे किसानों का आंदोलन बढ़ता हुआ, राकेश टिकैत जिस तरह से आप एक मेन लीडर के तौर पर इस आंदोलन को आगे ले जाते नजर आ रहे हैं, तमाम पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी ने आज समर्थन में ट्वीट किया है, इसके अलावा संजय राउत तो आज खुद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए वहां पर समर्थन देने के लिए, अखिलेश यादव ने भी खुले तौर पर कह दिया है कि हम हर हाल में किसानों के साथ है। हर कोई अगर किसानों के साथ है तो फिर भी किसानों की ऐसी बदतर स्थिति क्यों नजर आती है? अब्दुल हफीज गांधी, देखिए हमने पहले ही दिन से कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। अब जब हम किसान के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजनीति हो रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2012 और 13 के अंदर राकेश टिकैत जी ने एक किसान आंदोलन किया था जिसमें राजनाथ सिंह जी खुद गए थे वहां पर। तो जब ये किसान आंदोलन में जाते हैं तो राजनीति नहीं होती है, और विपक्ष के लोग अगर समर्थन करें और समर्थन देने के लिए अगर धरना स्थल पर जाते हैं तो वो राजनीति हो जाती है। इनकी हमेशा से दोहरी मानसिकता होती है, ये हमेशा से जो है दोहरी मानसिकता से चलते हैं। अभी मैं हरीश जी का जवाब देना चाहूंगा। हरीश जी ने गन्ना किसानों की बात की, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था तो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 14 दिन के अंदर हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, जो अभी तक नहीं हुआ, पांचवा साल चल रहा है। पिछले 3 साल से गन्ना किसानों के भाव नहीं बढ़ाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, यह हाल है। अभी जो बजट गया है इसमें किसानों का जो बजट है उसको कम किया गया है, मनरेगा का बजट जो है वो कम किया गया है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का बजट जो है वो कम किया गया है। तो ये किस तरह का सम्मान है, ये किस तरह की किसानों की भलाई की आप बात करते हैं? दूसरी बात जो आपने अभी की कि किसान आंदोलन कहां जा रहा है, मैं ये पूछता हूं कि हरीश जी कह रहे थे कि क्या किसान संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है? मैं कहता हूं कि सरकार भी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। सरकार ने कितना कंसल्टेशन किसानों से किया, सरकार ने कब ये कानून बनाते समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और सबको कंसल्ट करने की कोशिश की? आपने ये कानून सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाए हैं और इसीलिए आपने कोई कंसल्टेशन नहीं किया। कोरोना जैसे काल में आपने ये कानून पास करने की कोशिश की, वो भी अध्यादेश लाकर। आप ये जानते थे कि अगर पार्लियामेंट से पास कराने की कोशिश करेंगे तो ये विपक्ष विरोध करेगा इस चीज का, और विपक्ष ने जब विरोध किया, जब आपने पार्लियामेंट में ये कानून लेकर आए और राज्यसभा में किस तरह से कानून पास कराए गए हम सभी जानते हैं। राज्यसभा टीवी का माइक बंद कर दिया गया था। अगर आपको वाकई में कुछ करना था तो फिर बजट की बात कर ले, या फिर तमाम जो अहम मुद्दे अब्दुल हाफिज गांधी ने उठाए हैं उनमें क्यों नहीं नजर आता कि आप लोग कितना हितैषी है किसानों के, आपकी सरकार किस हद तक सोचती है किसानों के बारे में? देखिए आप, अब्दुल हाफिज गांधी ने बजट को कायदे से पढ़ा ही नहीं, पढ़ लेंगे तो इस तरह की बात नहीं करेंगे। 50,000 करोड़ का आवंटन नहीं, आपने पढ़ा है तो मुझे बताइए मनरेगा का क्यों आपने अमाउंट कम किया, प्रधानमंत्री सम्मान योजना का 75,000 से 65,000 रुपए किया गया, ये क्यों किया गया? तो सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, कृपया उसको। आपने कहा ना, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने बहुत ध्यान से बजट को पढ़ा है। आपने किसानों के कृषि बजट में कटौती की है पिछले साल के मुकाबले, तो आपने कैसे कह दिया? तब आपने कैसे किया 50,000 करोड़ को 75,000 करोड़? मैं बता रहा हूँ ना, आपने आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को इतना बड़ा चढ़ा करते हैं 16 लाख करोड़ बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 16 लाख करोड़ इस बार के बजट में 65,000 करोड़ का प्रावधान है, 10,000 करोड़ आपने कम किए हैं। इसी तरह से मनरेगा के अंदर आपने कम करने की कोशिश की है, पिछले बजट में मनरेगा के लिए 1,66,000 करोड़ का प्रावधान था, इस बार आपने वो प्रावधान जो है 48% मनरेगा का जो फंड था वो जवाब किसान खुद आपसे ले लेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये बताए हरीश जी, मनरेगा का 48% फंड आपने कम किया है, कहीं ना कहीं किसानों को मिलता गांव देहात में जाकर, और आप कहते हैं कि आप किसान हितों के लिए काम करते हैं। देखिए आप मुझे आंदोलन को लेकर जवाब दीजिए। अब आगे फिलहाल आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी हरीश चंद्र श्रीवास्तव, मेरे पास समय की कमी है, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी फिलहाल। अब आगे ये आंदोलन किस तरफ जाता हुआ, क्योंकि यहां तो कह दिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से कि भैया अक्टूबर नवंबर तक ये आंदोलन खींचने वाला है, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? या उससे पहले हम आपसे उम्मीद लगाए कि कोई ना कोई तरीका आप लोगों की तरफ से ढूंढ लिया जाएगा इस आंदोलन को खत्म करने का, किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने का, या फिर आम लोगों को, आम जनता को अक्टूबर नवंबर तक तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए ये तो इस विषय में तो राकेश टिकैत जी से पूछिए, सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने, दोनों लोगों ने
अभी भी किसान के इन नेताओं से कहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिया था 1.5 साल कानून को स्थगित करने का, कमेटी बनाए जाने का, MSP बात करने का, वो एज इट इज है, आप आइए हमारे साथ बात करिए, हम जो भी समाधान इसके लिए है करेंगे। तो ये तो अब इनके रुख पर निर्भर करेगा, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकार अभी भी किसानों के साथ है, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इनको अपने जो दुराग्रह है उससे अलग हट करके इनको बात करनी चाहिए और समस्या का समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। विजेंद्र सिंह, आपको आगे फिलहाल अब इस स्टेज पर आने के बाद किस तरह की उम्मीदें, किस तरह की आगे भविष्य में तस्वीर नजर आ रही है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, हमें नहीं पूरे देश को चाहिए कि किसान हारने ना पाए। अगर देश का अन्नदाता हार गया तो देश हार जाएगा, इसलिए किसान को जीतना ही होगा। पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करूंगा कि वो अहंकार त्यागे। ये कौन सा जिद है कि जिसके बल पर सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं, और सरकार की ये कौन सी जिद है कि हम, यानी कि अब जिस तरह से विजेंद्र सिंह ये आंदोलन किसानों का ना रहकर राजनीतिक दलों का नजर आ रहा है, कुल मिलाकर अब तो आप लोगों की ईगो पर बात आ गई है कि भैया अब तो ये आंदोलन जारी रहेगा, हर हाल में जारी रहेगा। देश हार जाएगा अगर किसान हार जाएगा तो। अब्दुल हाफिज गांधी बोलिए, आपका फाइनल कमेंट। ये कांग्रेस पार्टी का दंभ हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी को अन्नदाता की चिंता करनी चाहिए, अपने फंडदाता की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये फंडदाता यानी कॉर्पोरेट सेक्टर की सिर्फ चिंता करते हैं। गजेंद्र सिंह, अन्नदाता की चिंता होनी चाहिए इस देश में, फंडदाता की नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, अन्नदाता की चिंता होनी चाहिए कहे हर कोई रहा है गजेंद्र सिंह टिकैत। क्या आपको अभी लग रहा है कि वाकई में कोई चिंता करता है, या फिर ए से लेकर जी तक हर कोई बस अपने अपने हित साधने में लगा हुआ है, अपने अपने अवसर की तलाश में लगा हुआ है? आप लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। देखो, बंदूक हमने मना कर दिया, किसी की बंदूक हमारे कंधे से रखकर नहीं चलेगी। लेकिन अब तो आप खुलेआम बुला रहे हैं सबको। नहीं, किसी को नहीं न्योता दिया। अरे राकेश टिकैत, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहता है, क्या संदेश? किसान बनकर कोई भी आ सकता है, किसान बनकर कोई भी। संजय राउत क्या किसान हो गए? किसान बनकर राजनाथ सिंह भी आए थे क्या? किसान हो गए? किसान बनकर राजनाथ सिंह भी हमारे मंच पर आए, उन्हें मंच पर बुलवाया हमने। लेकिन आज इस तरह से हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा, और लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भाई किसानों के लिए वो हमारा दरबार खुला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि राजा और प्रजा पिता पुत्र की तरह होते हैं, तो प्रजा की बात राजा को सुननी चाहिए। ये प्रजातंत्र है और राजा राजा ही रहता है। राजा का नाम सिर झुकने देंगे, क्योंकि राजा इस देश का राजा है, तो राजा को हमारी बात सुननी चाहिए। और जो किसान यहाँ पड़े हैं उनकी बात सुन के ये कानून रद्द करने हट भी तो छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। इसमें प्रधानमंत्री भी तो छोड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र में हट का भी तो कोई जगह नहीं होती। नहीं, किसान हट नहीं कर रहे, किसान पीड़ित है, किसान पीड़ित है, ये तो प्रधानमंत्री जी को भी। ठीक है, जाते जाते हरीश चंद्र श्रीवास्तव, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट एक बार और। किसान कह रहे हैं भैया हम तो पीड़ित है, आप लोग राजा है, और आप लोगों को हमारी सुननी होगी, आप लोगों को ही हमारा समाधान कोई ना कोई निकालना होगा। कब तक निकालेंगे? अक्टूबर नवंबर तक की तैयारी करके ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनता अब आप लोगों को भी घेरेगी, आप लोगों से भी सवाल किया जाएगा, कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से? देखिए, मैंने कहा ना कि राजा इस देश की जनता है, लोकतंत्र में जनता ही प्रतिनिधि अपने चुनती है, उसी को अधिकार है और वही सर्वशक्ति संपन्न है। जहाँ तक किसानों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था किसानों की खुशहाली, वो कल भी था आज भी है। किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए सरकार सब कुछ करेंगे, लेकिन तीन नए कृषि कानून आप वापस नहीं लेंगे। और इसी बात के लिए किसान अड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये तीन कृषि कानून वापस लेंगे। माफी के साथ, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल किसान आंदोलन को 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो स्थिति इस हद तक गंभीर हो चली है कि अब लग रहा है एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है कि ना जाने क्या हो जाएगा, किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस वाले दिन जो तस्वीरें हमने देखी, हमारी रूह तक कांप गई। और अब 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का ये जो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से हाईवे जाम करने का, चक्का जाम लगाने का,
अब उस दिन क्या होगा, पूरे देश की निगाहें, देश के किसानों की निगाहें फिलहाल टिकी हुई है, लेकिन उम्मीद यही कि किसानों के भेष में उपद्रवी अगर एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। फिलहाल आप लोगों को भी सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा, सरकार और किसान भी लगातार बातचीत करते आ रहे हैं लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल नहीं पा रहा है। ऐसे में जो हठधर्मिता की बात कही जा रही है, चाहे वो किसान कर रही हो चाहे वो सरकार कर रही हो, दोनों पक्षों को बैठकर टेबल पर आराम से एक पर्सन के लिए सोचकर देखिए, अगर ये हठधर्मिता नहीं छोड़ी गई तो फिर देश और ये आंदोलन कितनी विकट स्थिति में पहुंच सकता है, और क्या यही आप लोग चाहते हैं, सोचिएगा जरूर। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।